आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई भी जेंट शर्ट फ्रंट पट्टी को पेस्ट कैसे करते हैं, जेब की सेटिंग कैसे करते हैं। आपको मैं बिल्कुल पेस्ट करके दिखाऊंगा अपनी प्रेस से इसे कैसे पेस्ट और कौन सी जगह पे पेस्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। किसी भी तरह का सिलाई का काम सीखने के लिए लेडीज या जेंट्स, नया या पुराना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास उसका मैसेज आ जाए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से सिलाई व कटिंग सिखाई जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। पहले ये दोनों फ्रंट के हिस्से हमारे शर्ट के, इसी शर्ट की मैंने आपको कटिंग दिखाई थी पहले वीडियो में। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें निशान लगा हुआ पट्टी का, ये होता बटन, जिस साइड में बटन लगेंगे बटन पट्टी तैयार होगी। उल्टा सीधा ना हो तो कपड़ा आप किसी भी हिस्से को बटन वाला बना सकते हैं, किसी हिस्से को काज पट्टी वाला बना सकते हैं। प्रेस को चेक कर ले, ज़्यादा गर्म ना हो, कहीं हमारा कपड़ा ना जल जाए। जो हमारा निशान है, जो हमें यहाँ टुक का निशान लगाया है, उस पर सेम टू सेम बिल्कुल सीधा लाइनिंग में, ये तो सुविधा होती है क्योंकि सीधी लाइनिंग होती है जो कन्नी की तरफ, वो कभी भी तिरछी नहीं होती, उसके हिसाब से आप बिल्कुल सीधा मोड़ सकते हैं। इसके बाद ये कन्नी है, जो कि कन्नी हमेशा कपड़े को खींचती है, अच्छी सेफ अच्छी फिनिशिंग नहीं आने देती, तो हम कन्नी को कट कर देते हैं यहाँ से। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप शर्ट की कटिंग करते वक्त आपको कितनी कन्नी कट करनी है उस हिसाब से आप इसे सेट कर पाएं। कन्नी को कट कर दे और इसमें छोटा 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 कट मार दे, जो बाकी कन्नी बची है ना उसमें छोटा छोटा कट मार दे इस तरह से कैंची के साथ। इससे क्या होगा, जो फ्रंट पट्टी हमारी बिल्कुल साफ सुथरी बनेगी, इसमें कोई भी सलवट वगैरह गोलझट वगैरह नहीं होगी। ये मैं इस तरह से इसको फोल्ड करे बटन के लिए तैयार कर रहा हूँ बटन पट्टी। अंदर फोल्ड करें, धीरे धीरे प्रेस को भी ध्यान रखें कितना गर्म है कितना नहीं। इस तरह से आप इसे सेट कर दे, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सेट हो गया है लाइनिंग में। ये बहुत ज़्यादा सहायक भी होती है लाइनिंग, और हमें परेशान भी करती है सिलाई के काम में। सीखने वाले के लिए ये काम है, ये सहायक होगी, लेकिन जो प्लेन कपड़ा होगा उसमें थोड़ी परेशानी होगी। तो इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरी प्रेस के साथ हमारी पट्टी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हमें लगानी इस पर सिलाई। मैं आपको सिलाई करते वक्त इसी शर्ट की दिखाऊंगा, तभी शर्ट को सिलूंगा आपको दिखा दूंगा। अब दोस्तों ये है हमारी काज वाली पट्टी, जिस पट्टी पे काज होते हैं सामने, तो काज वाली पट्टी पे हमें पेस्ट करनी है पट्टी, जो कि पेस्टी पट्टी होती है, थोड़ी गंदी है, इसे मैं कट कर देता हूँ, धूल मिट्टी लगी हुई है। पूरा साइज जितना भी साइज है, थोड़ा आध पौन इंच ज़्यादा ही ले लें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप, मैंने पट्टी अभी पानी से भिगो करके सुखाई है, साफ साफ सूखी भी नहीं है पेस्टी हमारी, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा पानी लगा के भी इसे पेस्ट करोगे, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। वहीं से वहीं तक पेस्ट करें, निशान है नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टुक का निशान है, बिल्कुल सीधा पेस्ट कर दे। ये जो चीकने वाला हिस्सा होता है ना, ये इस तरफ से रख के पेस्ट करें, यहाँ तक बिल्कुल सीधा पेस्ट कर दे। जैसे ही गर्म प्रेस इसके ऊपर जाएगी, ये इसके साथ चिप जाएगी कपड़े के साथ। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जैसे कि मैंने अभी पट्टी पकड़ी हुई है, मैं साथ में नीचे उंगलियों से शर्ट के कपड़े को भी नीचे सीधा कर रहा हूँ, पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का। इससे क्या होगा, सामान्य
तरीके से ही पट्टी उतनी ही लेंथ इसकी हो जाएगी, यानी कि शर्ट का कपड़ा कुछ सलवटें वगैरह नहीं होंगी, बिल्कुल सीधा पेस्ट, शर्ट के कपड़े पे सीधी पेस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा बस धीरे धीरे से साफ सा करके, अब इसके बाद इसे हमें ये जो पेस्टी है ये नहीं मुड़ने देनी है, जो हमारी पट्टी है हमें कपड़े को मोड़ना है बिल्कुल सटा के, बिल्कुल इसके साथ सटा के कपड़े को मोड़ देना है इस तरह से, बिल्कुल सटा के कपड़े को फोल्ड कर दे पट्टी के ऊपर। उल्टी तरफ पट्टी चेपनी है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये मेरा निशान मार्क देख सकते हैं आप, दोनों हिस्सों को आमने सामने देख के भी चेक कर सकते हैं, ये हमारी पट्टी पेस्ट हो गई है। इसके बाद इसे फोल्ड कर ले या पहले करनी को काट ले, पहले मैं फोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद आइडिया आ जाएगा कितनी करनी काटनी है, कहीं पहले ज़्यादा कट गई तो कुछ परेशानी होगी, तो इसे फोल्ड कर ले बिल्कुल उतना जहाँ तक पट्टी है, पट्टी दिखाई नहीं देनी चाहिए, फोल्ड करने के बाद पट्टी दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही ऐसा हो कि ज़्यादा पट्टी से बाहर जाए, बिल्कुल करनी के साथ जो भी पट्टी की पेस्टिंग है उसकी करनी के ऊपर से फोल्ड कर दे। इसके बाद इसे ओपन कर ले इस तरह से, और ये जो करनी है ना इसे भी कट कर दे, करनी को कट कर दे और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा कट मार दे, जैसे बटन वाली पट्टी में मारा था, इससे खिंचाव खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आपने देखा भी होगा कई बार कोई ऐसे अनजान पने में कोई शर्ट सिल देता है तो ये कन्नी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सामने की पट्टी सी खिंची हुई लगती है, उखड़ी उखड़ी खिंची हुई ही महसूस होती है, वो सिर्फ इसी का कारण होता है। इसमें कट मार दे, कटिंग करते वक्त यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले ले, जितना मैंने बताया है उससे भी आप आधा इंच ज़्यादा लो, 2 इंच 2.5 इंच ले सकते हैं, कन्नी पूरी उतर जाए। आप इस तरह से इसे दोबारा फोल्ड करके ऊपर से प्रेस मार दें। सामने वाली तरफ भी प्रेस मार दें। ये हमारी दोनों पट्टी तैयार हो गई है, काज पट्टी और बटन पट्टी, आप देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई है। काज वाली पट्टी होती है दोस्तों जो कि राइट हैंड में हो लेफ्ट हैंड होती है, उसमें हमारी हमेशा जेब लगती है, लेफ्ट हैंड होता है दोस्तों उस तरफ काज वाली पट्टी होती है, राइट हैंड वाली बटन वाली होती है। ये लाइनिंग भी मिल गई है दोस्तों लगभग इसकी, लेकिन आप लाइनिंग का ध्यान ना दें क्योंकि लाइनिंग आडी लाइनिंग होती है दोस्तों, वो बहुत कम चांस होता है मिलने का, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लाइनिंग है इसलिए कुछ मैच हो रही है, मिल रही है आपस में। पट्टी हमारी दोनों तैयार हो गई, इसके बाद हम जेब का सेटिंग कर देते हैं एक बार। ये हमारा पैटर्न कटा हुआ जेब का, इस पे जेब हम कैसे तैयार करते हैं मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में कट किया था जेब का और कॉलर का। आप वो कपड़ा ले जो बाजू की साइड से निकला हुआ है, उस कपड़े पे आपको जेब लगानी है, आधा इंच ऊपर छोड़े और 8 इंच पे, 7.5 पे, जैसे कि 36 चेस्ट है तो 8 पे, अगर 30 है तो आप 7.5 7.5 तो 7.5 7.5 8 पे निशान लगा ले। वो कपड़ा ले जो बाजू की साइड से, जिसमें मैं तीरा कट किया था, ये आर्म होल से कपड़ा निकला हुआ है, वो कपड़ा मैंने ले लिया है, यहाँ से कपड़ा निकला है। इसकी हम कोशिश करते हैं लाइनिंग मिल जाए, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर लाइनिंग मिलेगी तो मिला देंगे, लाइनिंग मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें क्योंकि थोड़ी मोटी लाइनिंग है, मोटी चेक है तो इसमें लाइनिंग मिल सकती है। कोशिश करते हैं दोस्तों, इस तरह से आप चेक करें,
आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा मार्कर का निशान है, चाक का निशान है, ये चौक के निशान तक ही हमें जेब लगानी है, तो इस तरह से इसे सेट कर ले। ये मैं उल्टा हिस्सा है जेब का, ये भी ध्यान रखिए, मैं उल्टे हिस्से पर चेक कर रहा हूँ। यहाँ से 1.25 2.5 इंच दूर, 2.5 इंच दूर वहाँ से किनारे से निशान लगा दे। जेब में उल्टे सीधे का भी ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। ये कपड़ा जो मैं सिलाई कर रहा हूँ, ये उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं है, इसको पलट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जेब में आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइनिंग, जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है उसे अटैच यानी कि मिलाना होता है। एक बार प्रेस लगा ले, उसके बाद इसको हम पट्टी चेप लेंगे इसकी। देख सकते हैं हमारी यहाँ पे फोल्ड हो गई है, ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो गया है। इतनी पट्टी काटे जितना ये हमारा जेब का साइज है, इससे लगभग 1.5 इंच ज़्यादा। और जो ये निशान आया है हमारा फोल्ड का, बिल्कुल इसको सटा के इसको इसके पर चेप दें, पेस्ट कर दें, बिल्कुल सटा के पेस्ट कर दें इस पर। अगर ऊपर नीचे होगा तो ये जेब ऊपर नीचे जाएगी, अन्यथा लाइनिंग नहीं मिलेगी। दोनों काम है, या तो लाइनिंग भी नहीं मिलेगी या फिर ऊपर नीचे जाएगी। हमारा साइज अगर हम सेम साइज़ पे लगाएंगे 8 इंच पे, तो हमारा लाइनिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर लाइनिंग मिलाएंगे तो जेब ऊपर नीचे हो जाएगी। तो बिल्कुल जहाँ पे फोल्ड किया वहीं पे इसे पेस्ट करें और साथ में फोल्ड कर दें। अब इस कपड़े को जो हमारा है इसे कट कर ले ज़्यादा है तो, इसके बाद इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दें। इसमें कट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कन्नी वगैरह नहीं है ना यहाँ पे, प्रॉब्लम कन्नी देती है। जो सिलाई के काम में प्रेस और पेस्टिंग का काम होता है दोस्तों, ज़बरदस्त होता है। अगर आप हल्का जो भी सिलाई करोगे उसी पे प्रेस लगाओगे, तो आप काफ़ी अच्छे से सिलाई का काम कर पाओगे। यह हमने निशान लगा लिया है 2.5 इंच पे, हम इसे अब इस पर फोल्ड कर देंगे, यानी कि जो हमारा पैटर्न है इस पे हम इस तरह से, वो निशान लगाया हमने पट्टी की तरफ, उसी निशान की तरफ से दूसरी साइड वाले आर्म होल की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, एक साइड ही मिलाए ऊपर की और एक साइड पट्टी की तरफ, तो दूसरी साइड अपने आप सेट आ जाएगी। तो इस तरह से हमें पट्टी की तरफ वाला हिस्सा जो निशान लगा है वहाँ तक हमें इस पर फोल्ड कर देना है पैटर्न पर, जो एक गत्ते का बनाया है मैंने। अच्छे से हल्का पानी लगा ले, अगर आपको ये कपड़ा सेट नहीं हो रहा हो तो आप हल्का पानी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, अच्छे से चिपक जाएगा, इस तरह से हो जाएगा जैसे चिपका हुआ है, कुछ कपड़ा ऐसा होता है। अब दूसरी तरफ, पहले पट्टी की तरफ, बाद में दूसरी तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ होल्ड करके प्रेस मार दे। हम अब इसे निकाल देते हैं और इस पे वैसे प्रेस एक बार मार देते हैं, वहीं से इसे हिलने ना दे। अब देखिए इसके, इसको पलट के इसके ऊपर रखते हैं, देखते हैं जेब कैसे सेट होती है, लाइनिंग मिली या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लाइनिंग बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। तो इस तरह से आपको जेब तैयार करनी है। अभी प्रेस मार दें, बिल्कुल बारीक काम है दोस्तों सिलाई का, कोई भी काम हो बड़ी सावधानी से करना होता है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाही करोगे। अगर आप काम करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ध्यान पूरा देना होगा, पूरा एफर्ट लगाना होगा। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।